अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फुरकान अहमद। चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको भांजपन की सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी औरत को चंद साल हुए हैं शादी हुए हुए और उसको औलाद की ख्वाहिश भी है, शादी से पहले वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त थी, लेकिन अब शादी के बाद उसके खसियतुर रहम जो है, यानी कि ओवरीज जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, ख्वाहिश नफसानी जो है वो या तो कम हो गई है या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, चेहरे का रंग पीला है, बहुत ही ज़्यादा जिक्र है और गुस्सा बहुत करती है, अगर ऐसी औरत की हिस्ट्री को तलाश करें तो सुजाक यानी गनोरिया ही मिलता है। बस मेडोरिनम जो है ऐसी औरत को शिफा देती है और बांझपन की जो तकलीफ़ है उसको ठीक करके उसकी गोद को हरा कर देती है। तो दोस्तों, सुजाक यानी गनोरिया की वजह से अगर बांझपन हो गया है या औलाद नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में मेडोरिनम जो है उसको ज़रूर आजमाना चाहिए, ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मेडोरिनम 1 ml 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के 15 दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए, और इसी तरीके से कई खुराकें, कई डोज इसकी लेने से जो है वो मतलब हासिल हो जाता है। सुजाक के बाद बांझपन हो जाना, औलाद का ना होना, ये मेडोरिनम का बहुत ही पक्का सिम्टम है, और ये मेडोरिनम ऐसी कंडीशन में जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन बन जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।